हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021। काफ़ी समय से ये लोग बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई थी, पर यूपीएससी की अब हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है और यूपीएससी ने आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, तो एक ये अच्छी खुशखबरी है बच्चों के लिए, क्योंकि अब चीज़ क्लियर हो गई है कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। ओके, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। पहली डेट क्या थी वो आपको पता है, नई डेट क्या है वो ऑफिशियल नई नोटिफिकेशन में आपके पास आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये नोटिफिकेशन है यूपीएससी की। तो अगर आप इसमें सिर्फ इतनी सी ही नोटिफिकेशन है, इसके अलावा कोई और डिटेल नहीं है। तो अगर आपको कोई इंटरनेट पे ऐड ऑन करके डिटेल बता रहा है, तो समझ लेना कि वो गलत बता रहा है। तो आपका पेपर 27 जून 2021 को होना था, और अब ये जो डेट है 10th अक्टूबर 2021 पे, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके अलावा कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी यूपीएससी की तरफ से इसके ऊपर नहीं आई है। क्या एप्लीकेशन विंडो दोबारा खुलेगा या नहीं खुलेगा, ठीक है, या फिर कोई और चेंज होगा या नहीं होगा, उस पर अभी यूपीएससी कम्प्लीटली साइलेंट है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई और इधर उधर की फालतू बातें कर रहा है, तो वो उस पर आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो 27 जून यानी कि अब जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, ठीक है, और 10 दिन अक्टूबर के, तो अराउंड 100 डेज, रफ आइडिया आप लेकर के चलो, अराउंड 100 डेज का आपको एडिशनल टाइम मिल गया है। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। ओके, बहुत अच्छी खबर है। अब आप अपने आपको और अच्छे से प्रिपरेशन मोड पर लेकर के आ सकते हैं, और इस चीज का एक ध्यान जरूर रखिएगा कि ये मत सोचना कि अब पेपर पोस्टपोन हो गया तो अब आराम कर लेते हैं, क्योंकि आप तो आराम कर रहे हो, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है वो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी अब शुरू कर देगा, क्योंकि उसको मौका दिख गया इसके अंदर, ठीक है। तो आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से तो है नहीं पेपर के अंदर, आपका कॉम्पिटिशन है जो आपके साथ वाले बच्चे हैं उनके साथ, तो वो तो अब पूरा जोर लगा देगा, ठीक है। और जिसकी तैयारी थोड़ी सी पीछे चल रही थी वो भी जोर लगा देगा, तो ये ना हो कि आप अब ढीले पड़ जाओ और आपकी तैयारी कमजोर पड़ जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो ईपीएफओ के बच्चे हैं, जो ईपीएफओ का पेपर दे रहे हैं यूपीएससी, ज्यादातर वो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं। तो अब अच्छे से अपने आप को आप जो है प्लानिंग कर सकते हो कि किस तरह से आपने चलना है। अब ईपीएफओ में तो क्या हुआ, उन्होंने कोई डेट नहीं दिया, फर्दर डेट नहीं दिया, ठीक है, लेकिन सिविल सर्विसेज में आपके पास डेट उन्होंने दे दिया है, तो अपने को पता है कि किस तारीख को अपना एग्जाम होना है, तो उसी हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें देखो, शिक्षा भी आपकी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अभी जो आपकी प्लेलिस्ट चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप जाओ और यूट्यूब पर अगर आप शिक्षा की प्लेलिस्ट के ऊपर जाते हो, अगर आप यूट्यूब पर शिक्षा सर्च करते हैं एंड अगर आप चैनल के ऊपर जाएंगे, तो बहुत सारी जो प्लेलिस्ट्स हैं जो ईपीएफओ के बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं, सिविल के बच्चे भी बहुत आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट देखो, आपकी डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज की एक प्लेलिस्ट चल रही है, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ऑल राइट, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एमसीक्यू सीरीज चल रही है, एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट हम रिवाइज कर रहे हैं, जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। जनरल साइंस की, चलो सिविल सर्विसेज में इतने ज़्यादा जनरल साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इंडियन पॉलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, ओके, सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्लेलिस्ट जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। आप देखो इनको, ठीक है, आप एक बार देखो, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन जो है वो ये प्लेलिस्ट कराने वाली हैं, ऑलराइट। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन 9041244689, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या फिर मेल कर सकते हो शिक्षित@gmail.com पर। और अफवाहों से बचना है, ठीक है, बहुत सारी अफवाहें भी उड़ेंगी मार्केट में, जो नोटिफिकेशन में नहीं भी लिखा हुआ वो भी लोग बोलना शुरू कर देंगे कि यूपीएससी के हवाले से ये खबर आई है, यूपीएससी के हवाले से वो खबर आई है। जो बच्चे ईपीएफओ का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी अफवाहें उड़ेंगी, उनके लिए अफवाहें उड़ेंगी कि भाई इस साल भी वही चीज़ होगी कि 2021 में तो सिविल सर्विसेज का पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराएगा और ईपीएफओ का पेपर तो अब 2022 में जाकर के होएगा, ये भी अफवाह उड़ेगी, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। तो इन सब अफवाहों से आपने बच करके रहना है, ठीक है, जो ऑफिशियल यूपीएससी बोलेगा उसी को हमने मान करके चलना है। बाकी सारी बातों अगर कोई अगर कोई कहता भी है ना ऐसे वैसे, तो कहना ठीक है भैया कोई बात नहीं, ठीक है, चलो।
तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलकर के अब एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी और आप अपने आप को बेटर प्लान कर पाएंगे। ओके, एंड चैनल को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। शेयर इसीलिए करना है ताकि पॉजिटिव एनर्जी मेरे एंड से भी बनी रहे और ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।